नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। और आइए आज देखते हैं झारखंड राज्य से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले अब तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन प्रेस कर दीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में अलग राज्य की सर्वप्रथम शुरुआत किसने की? तो छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में साइमन कमीशन के समक्ष अलग प्रशासनिक इकाई का प्रस्ताव किसने रखा? बिशप वॉन यूक और जुए लकड़ा। ये जुए लकड़ा यही है छोटा नागपुर उन्नति समाज के संस्थापक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने स्वयं को राजा घोषित किया तथा लोगों पर लगान लगाकर रसीद भी काटना शुरू कर दिया? तो जी हाँ, तो वो खैरवार आंदोलन के नेता थे भगीरथ मांझी। आगे बढ़ते हैं, मुंडा जनजाति के लोग अपने आप को क्या कहना पसंद करते हैं? हौर को। और खैरवार आंदोलन झारखंड में किस वर्ष हुआ? 1874। चलिए एक बार आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, मुंडा जनजातीय विवाह का वाचक क्या है? यानी कि मुंडा में जनजातीय विवाह होता है उसको क्या कहा जाता है? जी हाँ, उसको कहता है अंडी, दीकू अंडी, ये सब। खैरवार आंदोलन कहाँ पे हुआ था? जी हाँ, संथाल परगना में 1874 के आसपास। हजारीबाग में भारत छोड़ो आंदोलन का श्री गणेश यानी शुरुआत कब हुआ था? जी हाँ, 11 अगस्त 1942। धाल विद्रोह किसने वर्षों तक चला था? जी हाँ, धाल विद्रोह 10 वर्षों तक चला था। महामाया मंदिर हापामुनि गुमला का निर्माण किसने करवाया? जी हाँ, गंजघट राय ने करवाया था। कोल विद्रोह 1831 का नेतृत्वकर्ता सुरगा मंडा कहाँ का रहने वाला था? जी हाँ, बंदगांव। हुल झारखंड पार्टी का कार्य क्षेत्र झारखंड का कौन सा क्षेत्र था? तो हुल झारखंड पार्टी जी हाँ, संथाल परगना। बताते चले कि ये हुल झारखंड पार्टी 1968 में बनी थी। 1968 में, और ये ऑल इंडिया झारखंड पार्टी से अलग होकर बनी थी। किस मिशनरी को संथालों के बीच उत्कृष्ट कार्य करने हेतु आदर पूर्वक एपोस्टल ऑफ संथाल्स कहा जाता है? जी हाँ, तो वो थे डॉक्टर एंड्रू कैंपवेल। चलिए आगे बढ़ते हैं, हुल झारखंड पार्टी का विभाजन कब हुआ था? तो हुल झारखंड पार्टी का विभाजन 1970 में हुआ था। अलग राज्य झारखंड हेतु सुनियोजित संघर्ष कब प्रारंभ हुआ? जी हाँ, जब साइमन कमीशन आया था 1928 में, तब से शुरू हुआ था 1928 में। सरकारी स्तर पर पृथक राज झारखंड हेतु सर्वप्रथम कार्रवाई कब की गई? जी हाँ, 1928 में जब साइमन कमीशन आया था उसके समक्ष रखा गया था मांगों को। आगे देखिए, अलग झारखंड हेतु सरकारी कार्रवाई का रूप क्या था, मतलब कैसे सरकारी कार्रवाई होती थी? जी, वो ज्ञापन देते थे, नोटिस देते थे, जैसा कि मॉडरेट्स लोग किया करते थे उस समय। चलिए आगे बढ़ेंगे, किस संगठन के द्वारा आदिवासी नामक पत्रिका का प्रकाशन हिंदी, इंग्लिश, मुंडारी, कुरुख में किया गया? जी हाँ, छोटा नागपुर उन्नति समाज 1915 में इसे गठन हुआ था। किसान सभा का गठन कब हुआ? 1931 में। और झारखंड में किसान सभा के जो अध्यक्ष थे, जो कर्ता धर्ता थे, वो कौन थे? यदुवंश सहाय। चलिए आगे बढ़ेंगे, छोटा नागपुर कैथलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जी हाँ, छोटा नागपुर कैथलिक सभा के प्रथम अध्यक्ष बोनिफिस लकड़ा। किसने 1935 ईस्वी में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की? जी हाँ, अबला आश्रम की स्थापना नागरमल मोदी ने की थी। याद रहेगा, नागरमल मोदी। देखिए, अंग्रेजी राज से मुक्ति हेतु कौन सा विद्रोह सोनपुर परगना के कोचाई गांव तथा तमाड़ के कुमांग गांव में भड़का था? जी हाँ, कोल विद्रोह 1831 में हुआ था। सफाखोड़ आंदोलन के जन्मदाता कौन थे? जी हाँ, लाल हेमब्रम, उसे लोग लाल बाबा भी कहते थे। और इनका नारा था राम नाम। जी हाँ, लाल बाबा का नारा था राम नाम। सफाखोड़ आंदोलन के जनक लाल बाबा के ने आजाद हिंद फौज के तर पर कौन सा दल का गठन किया था? जी हाँ, देशो द्वारक दल। तो सफाखोड़ आंदोलन का जो गठन किया था दल, उसका नाम था देशो द्वारक दल। लाल बाबा ने सफाखोड़ी आंदोलनकारियों को कौन सा मंत्र दिया था? जी हाँ, बता चुके हैं, राम नाम। आगे बढ़ेंगे,
छोटा नागपुर संथाल परगना स्वशासी विकास प्राधिकरण का गठन कब किया गया था? 1971 में। झारखंड मुक्ति मोर्चा गठन कब हुआ था? जी हाँ, ये हुआ था आपको 1972 में। कहाँ पे हुआ था? धनबाद में। इसके अध्यक्ष कौन थे? पहले अध्यक्ष सूर्य सिंह बेसरा, जिसका नारा क्या था? खून के बदले खून। जी हाँ, सूर्य सिंह बेसरा खून के बदले खून, ये प्रथम अध्यक्ष थे। और गुरुजी यानी कि शिबू सोरेन महासचिव थे झारखंड मुक्ति मोर्चा के। आगे बढ़ेंगे, मुंडा उलगुलान का तत्कालीन कारण क्या था? जी हाँ, तो मुंडा उलगुलान का तत्कालीन कारण था 1894 का वन सुरक्षा कानून। इसमें एक अगर ऑप्शन आता है खुट्टी कानून तो वो भी होगा, खुट्टी कड़ी कानून, क्योंकि उसी में से रिलेटेड है ये वन सुरक्षा कानून से। सबसे पहले बड़ा भूम एवं घाटशिला के चुआड़ों ने किस वर्ष विद्रोह किया था? जी हाँ, तो 1769 में जो चुआड़ों का विद्रोह हुआ था बड़ाभूम और घाटशिला में, वो 1769 में हुआ था पहली बार। कौन प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया शुरू की थी? सबसे पहले, जी हाँ, सबसे पहले शुरू की थी ऋषा मुंडा ने, और उसने एक मतलब एक शासक को चुना था कि हम इसको आगे बढ़ाएंगे प्रक्रिया को, वो थे सुतिया पाहन, जो आगे क्वेश्चन में आएगा देखेंगे। किस विद्रोह के दमन हेतु लेफ्टिनेंट फॉर्बिस एवं लेफ्टिनेंट गुड़ियार को भेजा गया था? तो जी हाँ, चुआड़ विद्रोह जो हुआ था उसको दमन के लिए लेफ्टिनेंट फॉर्बिस एवं लेफ्टिनेंट गुड़ियार को भेजा गया था। आगे देखते हैं, ऋषा मुंडा ने किस मुंडाओं को शासक चुना? जी हाँ, सुतिया पाहन, जो कि अलग झारखंड राज्य के निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले शुरुआत करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। देखिए, एक नक्सली वारदात में किस स्थान पर बाबूलाल मरांडी के पुत्र अनूप मरांडी मारे गए थे? जी हाँ, तो ये दुखद घटना हुई थी चिरखारी में, और ये चिरखारी कहाँ पे है? गिरिडीह। जी हाँ, तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म होता है। अगले वीडियो में मैं फिर से लेकर के आऊँगा झारखंड के संबंधित और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो कि भाग 4 होगा। तो अभी तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय झारखंड।